बीए तृतीय वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नई कहानी। नई कहानी का जो समय है हिंदी साहित्य में, उसे सामान्यतः 1950 से 60 के बीच का समय माना जाता है। अब कहानी और नई कहानी, तो कहानी की जो परंपरा चली आ रही थी, प्रेमचंद, उससे पहले भारतेंदु द्विवेदी युग और प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर युग की, इसके उपरांत आज़ादी के बाद कहानी पहले की कहानी से अपने शिल्प संवेदना और बोध में बिल्कुल अलग हो गई, तो उसे नई कहानी का नाम दिया गया। अब वो नई कहानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार ने हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना के जनवरी के अंक में एक लेख लिखा। नई कहानी परंपरा और प्रयोग, और उन्होंने कहानी के लिए नई शब्द का प्रयोग पहली बार किया। इसके उपरांत नई संज्ञा का प्रयोग प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने लेख आज की हिंदी कहानी, जो कहानी नामक पत्रिका में 1956 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुआ था, में नए नाम पर बल दिया और उसके स्वरूप की भी चर्चा उन्होंने की। कालांतर में कथाकारों की तिकड़ी, जिसे हम मोहन, राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर के नाम से जानते हैं, उन्होंने नई कहानी के ऊपर लिखा, उसके स्वरूप पर विचार किया और उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो कहानियाँ लिखी, ये मूलतः कहानीकार थे, जो कहानियाँ लिखी उसमें उन्होंने ये बताया कि कैसे ये पहले की कहानियों से भिन्न है। तो नई कहानी से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो नई विशेषण जो है वो काल बोध का सूचक नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो नया है, ये पुराना है, तो ये काल बोध का सूचक न हो करके बल्कि एक विशेष प्रकार के भाव का परिचायक है। नए जीवन बोध, नए जीवन मूल्य,
नई नैतिकता, नए शिल्प संवेदना आदि आदि। अतः इस कालखंड में जो कहानियाँ लिखी गई वे कथ्य शिल्प तथा संवेदना की दृष्टि से पहले की कहानियों से इतनी भिन्न थीं कि उन्हें नई कहानी की संज्ञा दी गई। अब कहानी की भाषा इकहरी नहीं रही, उसमें ऐसे प्रतीक और अर्थ उभरने लगे जो व्यक्ति की निजी अनुभूतियों का चित्रण भी करते हैं और साथ ही समाज की व्यापक सच्चाई को भी पकड़ना चाहते हैं। नई कहानी के रूप विधान की विशेषता के सारे तत्वों का संश्लेषण है। जैसे पहले कहानी थी, पहले कहानी में हम पढ़ते थे कि कहानी के तत्व के रूप में कि इन इन तत्वों से कहानी बनती है, कथानक, कथावस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा और शैली। किंतु नई कहानी में कहानी के तत्वों की सत्ता अलग अलग नहीं रही। यहाँ अर्थात नई कहानी में वातावरण उद्देश्य को भी व्यंजित करता है और भाषा वातावरण का भी सृजन करती है। अर्थात भाषा अगर आंचलिक है तो आंचलिकता की विशेषता को बताती है। नई कहानी में कथा तत्व का ह्रास हुआ है एक तरह से, जिसकी क्षतिपूर्ति नाटकीयता, संकेत, सादृश्य विधान, प्रतीक तथा बिंब विधान आदि से हुई है। नई कहानी में शिल्प की दृष्टि से अगर देखें तो फैंटेसी, पूर्व दीप्ति, चेतना प्रवाह आदि का शैलीगत प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। इन कहानियों के विषय वस्तु जो नई कहानी के दौर में अर्थात 1950 से 1960 के बीच जो कहानियाँ लिखी गईं, उनकी जो विषय वस्तु है वो आधुनिकता के दबाव में टूटते संस्कार, आर्थिक संघर्ष में टूटता व्यक्ति, परंपरागत संयुक्त परिवार का चरमराता ढांचा, दो पीढ़ियों का संघर्ष, स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों में तीव्र बदलाव, कस्बा से शहर आए लोगों का अकेलापन, अजनबीपन, महानगरीय जीवन की यांत्रिकता या मशीनीकरण आदि। कुल मिलाकर के नई कहानी ने आधुनिक जीवन की जटिलता, संश्लिष्ट जटिलता को स्वर दिया है।
नई कहानी के कथाकारों का कहना है कि नई कहानी हो कविता हो या चित्रकला हो, उन्हें तत्वों या शास्त्रीय परंपरा में रख करके नहीं परखा जा सकता, बल्कि रचना को संपूर्णता में अर्थात समस्त युग और संस्कृति की मानसिकता के संदर्भ में ही समझना सही रहेगा और समझा जाना चाहिए, तभी उसकी जटिलता और दुरूहता को भेद कर उसके मर्म को पहचाना जा सकता है। नई कहानी के लेखकों ने कहानी की जटिलता और उसके मर्म को समझने के लिए युग संदर्भ से जोड़ करके देखने की बात कही है। धन्यवाद। अब हम आगे बातचीत करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें नई कहानी के दौर में जो कहानियाँ लिखी गई वो उनके प्रकार पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद।